हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का एक सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सेशन का हेडिंग ही हाई लेवल वोकैबुलरी लिखा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि कोई हाई लेवल एग्जाम्स होंगे जिनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो हिंदी में है, मीडियम लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का कंसर्न है, तो हम सेशन दो लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं। अगर आप चाहें तो आप हिंदी वाला सेशन नहीं देखना चाहते तो इंग्लिश वाला सेशन भी देख सकते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चंस वही हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी SBI PO IBPS PO ऐसे लेवल के एग्जाम्स में आने की ज़्यादा है, क्योंकि लेवल ज़्यादा है। कुछ वर्ड्स आपको आते होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए आपको पहले से कितने वर्ड्स आते थे। इसे आप मुझे बिल्कुल देखिए ऑनेस्ट रहिएगा, क्लियर बताइएगा कितने वर्ड्स पहले से आते थे। अभी कुछ नया सीखेंगे आप। वर्ड्स को थोड़ा सा कोई सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसके अंदर लिखिए आपने आज कितने नए वर्ड्स याद किए हैं, उनके कितने सिमिलर वर्ड्स सीखे हैं। 4-5 नए वर्ड्स या 10 नए वर्ड्स आप सीखते हैं डेली, ऐड ऑन करते रहेंगे, तो 2-3 महीने में आप ये सोचिए कितने नए वर्ड्स आप सीख पाएंगे। तो प्रेपरेशन के दौरान सिर्फ एक नोटबुक बनाइए पक्का से वोकैबुलरी की, जिसके अंदर आप सारे के सारे नए वर्ड्स ऐड करते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ही नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अब। पहला वर्ड है योंडर। पहला वर्ड क्या है? योंडर। आपको एक चीज़ सीखनी है, एक चीज़ समझनी है। जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल इसलिए नीचे ऐड करती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आप कंटेक्चुअली उसको समझ पाएंगे। एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड ओवर देयर, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो आपसे थोड़ा दूर है, जो आपसे थोड़ा दूर है, जिसे आप दिखा रहे हैं, जो आपके सामने हैं। इसीलिए हम सिमिलर वर्ड्स यॉन अवे या फिर बियॉन्ड कहते हैं। आप ये देखिए कि इस वर्ड योंडर के अंदर ही यॉन है, सो दैट यॉन इज बेसिकली योंडर। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। योंडर में यॉन आता है, तो यॉन भी एक डिफरेंट वर्ड है, निकलता इसके अंदर से ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर आपको कोई वर्ड कहता है, हम ऑफन लिखते हैं, ऑफन सबको आता है, लेकिन एक वर्ड ऑफ्ट भी है ना, तो आर दे नॉट एसोसिएटेड? दे आर वेरी मच एसोसिएटेड, एक ही बात है। लेकिन हम कह रहे हैं पता होना ज़रूरी है कि ऑफ्ट भी होता है और ऑफन भी होता है। सिमिलरली यॉन भी होता है और योंडर भी होता है, दे आर सिमिलर वर्ड्स, अवे, बियॉन्ड, सामने का, उधर का, जो आप थोड़ी डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं आप उसे योंडर कह रहे हैं। इफ़ यू लुक योंडर, बात आप यही कर रहे हैं। इफ़ यू लुक योंडर, हम बात यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप थोड़ा डिस्टेंस पे देखते हैं, जब आप थोड़ा दूरी पे देखते हैं, थोड़ा डायरेक्शन जहाँ दिखाया जा रहा है आपको वहाँ देखते हैं, यू विल सी द स्काई लाइन आर ग्रेट हसलिंग एंड बसलिंग सिटी। आप क्या देख पाएंगे, आपको क्या दिखेगा, कहना हम ये चाह रहे हैं। तो आपको क्या दिखेगा? स्काई लाइन दिखेगा। स्काई लाइन किसका? स्काई लाइन ग्रेट हसलिंग एंड बसलिंग सिटी। हसलिंग एंड बसलिंग का मतलब होता है, देखिए बहुत बिजी है, जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, जहाँ पर बहुत नॉइजी है जो जगह, वैसी सिटी, हसलिंग एंड बसलिंग सिटी। एक चीज़ ये याद रखिए, जब हम स्काई लाइन की बात करते हैं, स्काई लाइन का मतलब बेसिकली देखिए शेप है, वो शेप जो बनाई है। जैसे अगर आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किस तरह की शेप बना लेती हैं, तो वो अगर उनकी छाप छूटेगी तो उनकी शेप बनेगी स्काई पर, ऐसा बोला जाता है। तो स्काई लाइन का मतलब शेप है, इमेज है, जो बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें जो शेप बनाती हैं, तो स्काई लाइन आपको दूर से देखेंगे आपको एक छाप दिखेगी, एक शेप दिखेगी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों की। और कैसी सिटी है हमारी? हमारी सिटी है बिजी सिटी, ग्रेट बिजी हसलिंग बसलिंग सिटी, जो एक्साइटमेंट से भरी हुई है, जो बहुत कामकाजी, बिजी, नॉइजी चीज़ों से भरी हुई, वैसी सिटी। तो योंडर का मतलब क्या है? दूर देखो, सामने देखो, वो योंडर है बेसिकली। तो एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड ओवर देयर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है देखिए जंकेट। जंकेट का मतलब होता है अ ट्रिप टेकन बाय एन ऑफिशियल एट पब्लिक एक्सपेंस। नहीं, आज के टाइम से रिलेट मत करिए, हम बात कुछ और कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ट्रिप लिया है किसी ने, किसी ऑफिशियल ने ट्रिप किया है, और ट्रिप लेने के बाद वो ऑफिशियल पब्लिक एक्सपेंस पे देखिए ले रहा है, सबसे बड़ी बात पब्लिक एक्सपेंस पे ले रहा है। तो हिंदी में तो देखिए कुछ और आप कह नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उसने जर्नी करी, उसने खाना खाया, वो सारी चीज़ें बेसिकली। जंकेट इज़ अ जर्नी, जंकेट इज़ अ ट्रिप। तो जर्नी है, ट्रिप है,
पब्लिक एक्सपेंस पे है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. नेवल ऑफिसर टुक फ्रीक्वेंट जंकेट्स अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर साइट सीइंग एट एग्जॉटिक लोकल्स. तो जर्नी है, सेलिब्रेशन है, ये सब बातें हम कहना चाह रहे थे जंकेट के बारे में. तो सेलिब्रेशन है, पार्टी है, इसीलिए हिंदी में मीनिंग दावत और भोज लिखा हुआ है, ये पढ़िए ध्यान से. एक्सकर्शन, जर्नी, इसके अलावा आपको मैंने बताया सेलिब्रेशन, पार्टी, ऐसे वर्ड्स इसके सिमिलर वर्ड्स हैं जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि किस तरह के वर्ड्स हैं, किस तरह के वर्ड्स हैं जो काम करेंगे सिमिलर वर्ड्स की तरह. तो सेलिब्रेशन, पार्टी ज़्यादा एक्यूरेट लगते हैं, क्योंकि जंकेट मैंने आपको बताया ट्रिप लिया, ट्रिप में सब कुछ है, खाना पीना है, जॉयफुल काम हो रहे हैं, जॉयफुल काम हो रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक एक्सपेंस पर हो रहे हैं. तो पब्लिक एक्सपेंस पर होता हुआ जंकेट. और आपको ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ के बताया था जिसमें मैंने कहा था कि नेवल ऑफिसर है, बार बार जंकेट्स पे जाता है, ट्रिप्स पे जाता है, सेलिब्रेशन करता है, पार्टीज करता है, वो भी फैमिली के साथ करता है, और फैमिली के साथ करता है, फ्रेंड्स के साथ करता है, साइट सींग्स पे जाता है. तो साइट सींग एट एग्जॉटिक लोकल्स, तो लोकल्स का मतलब है बेसिकली प्लेसेस, जगह है साइट सींग के लिए, वो एग्जॉटिक मतलब बाहर का, विच डज नॉट बिलोंग टू योर कंट्री. एग्जॉटिक के अंदर एक्स आता है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक्स का मतलब बाहर है, इंडिजिनस इसका ऑपोजिट होता है, एक्स का मतलब बाहर है. तो एग्जॉटिक लोकेशन जब हम बोलते हैं तो एग्जॉटिक लोकेशन मतलब देश से बाहर की हम बात कर रहे होते हैं प्राइमरीली. तो एग्जॉटिक का ऑपोजिट इंडिजिनस होता है, इंडिजिनस आपकी कंट्री का इंडिजिनस. सो लोकल्स की बात हम कर रहे हैं, प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर इवेंट और द एक्शन ऑफ अ बुक, फिल्म एट्सेट्रा हैपन्स. तो कोई घटनास्थल है, कोई क्षेत्र है, कोई स्थान है, कोई कार्यस्थल है, वो लोकल है. तो नेवल ऑफिसर के देखिए मजे चल रहे हैं, वो कह रहा है कि पार्टी कर रहा है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जंकेट्स मतलब बार बार फ्रीक्वेंट उस पर जा रहा है, ट्रिप्स पे जा रहा है, साइट सींग एट एग्जॉटिक लोकल्स. तो आपको याद रखना है जंकेट क्या है, पार्टी है, सेलिब्रेशन है, जर्नी है, एक्सकर्शन है. नेक्स्ट वर्ड कैन है, कैन का मतलब परसेप्शन होता है, एक्यूमन है, अप्रीहेंशन है. एक बार ज़रा थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में एक बार सेंटेंस देखेंगे क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस. पहले परसेप्शन मतलब क्या सोचते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे वन रेंज ऑफ नॉलेज, या फिर सिर्फ नॉलेज भी कह सकते हैं आप इसे, तभी आप इसे एक्यूमन कह रहे हैं. आप इसे अवेयरनेस कह सकते हैं, आप इसे अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, आप इसे कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं, आप इसे रियलाइजेशन भी कह सकते हैं. तो कैन का मतलब परसेप्शन है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, ये दैट इज कैन. तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड अगर हम देखें तो एक्यूमन होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा. चलिए, एज अ CEO ही फोकस्ड मेनली ऑन बिजनेस डेवलपमेंट बिकॉज ही फेल्ट दैट फाइनेंशियल मैटर्स वर बियॉन्ड हिज कैन. कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि CEO है कोई, तो वो CEO की तरह फोकस किस पे किया उसने, मेनली बिजनेस डेवलपमेंट पे. क्यों? क्योंकि वो उसको ऐसा ज़रूरत लगा, उसे महसूस हुआ कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो वर बियॉन्ड हिज कैन. फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, देखिए हर इंसान का अपना अपना एक पॉइंट है, अपना एक एरिया है जिसमें वो अच्छा है. तो यहाँ पर वो CEO सोच रहा है कि वो बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करे क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स जो है उसकी नॉलेज के बाहर है. तो हम देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स में यही कहना चाह रहे हैं कि कैन के बाहर है, नॉलेज के बाहर है, उसके कॉम्प्रिहेंशन, उसकी एक्यूमेन, उसके स्किल से दूर है, इसीलिए उसने कहा चलो बिजनेस डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं बजाय फाइनेंशियल मैटर्स के. तो नेक्स्ट वर्ड जरा देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड किस बारे में है. नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड डैश. बोल्ड डैश कुछ ऐसा बड़ा सा वर्ड लग रहा है. तो बोल्ड डैश का मतलब होता है खुराफात. अब ये क्या मतलब है, मतलब ये है कि कुछ नॉनसेंसिकल किया, कुछ नॉनसेंसिकल हो गया. तो वो नॉनसेंस जो है बेसिकली इलॉजिकल, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं हो रही है, तो वो बोल्ड डैश है. तो बोल्ड डैश जब हम बोलते हैं तो हम कह रहे हैं इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, वो बॉश हो सकता है, वो बुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे के सारे वर्ड्स वो इस्तेमाल करेंगे जो लॉजिकल नहीं है. सो बोल्ड डैश, अगर एक बार आप जरा वर्ड के साथ साथ कंटेक्चुअल मीनिंग भी देखते हैं. कंटेक्चुअल मीनिंग, Being a war veteran himself, the general was extremely critical of the balderdash he heard from warmongering journalists who had no combat experience. थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो कुछ अभी की ही बात तो नहीं कर रहा.
तो बॉल्डरडैश सेंसलेस स्टॉक है, सेंसलेस स्टॉक है जिसमें दिमाग नहीं है, रबिश है, जिबरिश है, आप ये समझिए कि जो इलॉजिकल है बेसिकली। तो कह रहा है कि एक वॉर वेटरन है वो खुद, कोई किसी की बात हो रही है, वॉर वेटरन है वो खुद, और वो जो जनरल हैं वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसको, वो बॉल्डरडैश को क्रिटिसाइज करते हैं। कौन सी बॉल्डरडैश को क्रिटिसाइज करते हैं, कौन सी इलॉजिकल टॉक को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें वो सुनते हैं कि जर्नलिस्ट, देखिए यही होता है हर बार कि जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और वॉर मॉन्गरिंग किए जा रहे हैं, भड़काऊ बातें किए जा रहे हैं, और मीडिया में आजकल आप ऐसे बहुत सारे शोज देखते हैं जिसमें जर्नलिस्ट वॉर मॉन्गरिंग किए जा रहे हैं बैठ करके। तो जिनको कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ शांति वाली बात, कोई लड़ाई वाली बात देखिए नहीं कर पाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उन्हें इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, कौन, जर्नलिस्ट। लेकिन जो वॉर वेटरन है, वॉर वेटरन को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो वो जनरल इस बात को एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली वो क्रिटिकल रहते हैं इस बॉल्ड डैश पे जहाँ पर वॉर मॉन्गरिंग जर्नलिस्ट जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, कॉम्बैट का मतलब फाइट होता है, लड़ाई होता है, वॉर की बात होती है प्राइमरीली, कॉम्बैट का मतलब झगड़ा है, वॉर है, फाइट है, लड़ाई है, तो उनको कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, बस ऐसे ही बैठे बैठे वॉर मॉन्गरिंग करते रहते हैं जर्नलिस्ट, तो इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं वॉर वेटरन खुद, जनरल। तो इस सारी बातों को जर्नलिस्ट की कहा जा रहा है बॉल्डरडैश, रबिश या फिर जिबरिश। एक वर्ड ऐड करिए, जिबर से जिबरिश बनता है, जिबर से जिबरिश बनता है, ये रहा जिबरिश वर्ड, GIBBERISH, दैट इज जिबरिश। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं फटाफट से, सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है स्विफ्टनेस या फिर स्पीड या फिर तेजी। तो जब हम कह रहे हैं कोई फुल ऑफ एलैक्रिटी है, ब्रिस्कनेस है, वो सेलेरिटी है। सेलेरिटी का मतलब क्या है, सेलेरिटी का मतलब होता है स्विफ्टनेस, स्पीड। तो सिमिलर वर्ड्स आपको बताया, एलैक्रिटी है एंथुजियाज्म से भरे हुए होना, वो सेलेरिटी होती है। द टेल ऑफ द चीता हेल्प्स इट मेंटेन बैलेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स स्पीड और ऑन सेलेरिटी। स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, सेलेरिटी पे फर्क नहीं पड़ता, स्विफ्टनेस पे फर्क नहीं पड़ता है। चीता की जो टेल है वो उसे बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि बैलेंस बनाने में हेल्प करेगी तो उसकी स्पीड पे उससे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, उसकी सेलेरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो सेलेरिटी स्विफ्टनेस है, स्पीड है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है वेरी लाउड, ब्लेयरिंग, चीखता चिल्लाता तेज तेज आवाज वाला, वो स्टेंटोरियन होता है। तो स्टेंटोरियन का मतलब है मिसेज वॉलेस हैज सच अ स्टेंटोरियन वॉइस दैट इवन द ड्राउजीएस्ट लर्नर रिमेन अवेक थ्रू आउट हर क्लास। किसी टीचर का रेफरेंस दिया जा रहा है कि मिसेस वालेस कैसी टीचर हैं, वो बढ़ा रहे हैं कि क्लास के अंदर अगर मिसेस वालेस पढ़ाएंगी तो उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है, इतनी लाउड है कि कोई अगर ड्राउजीएस्ट लर्नर है, बिल्कुल सोता हुआ सा, लेजी सा है, अंगड़ाई रहता हुआ, यॉन करता हुआ, तो वो ड्राउजीएस्ट लर्नर भी क्या रहेगा, अवेक रहेगा थ्रू आउट हर क्लास, क्योंकि उनकी वॉइस ऐसी है, स्टेंटोरियन वॉइस मतलब वेरी लाउड, ब्लेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड वेल्टर। वेल्टर का मतलब होता है मूव इन अ टर्बुलेंट फैशन। मूव इन अ टर्बुलेंट फैशन का मतलब यहां पर थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि जब हम कह रहे हैं टर्बुलेंट फैशन, सो वेल्टर का मतलब होता है हॉच पॉच। अगर आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो टैंगल है, जंबल है, कंफ्यूजन टाइप चीज है, वो वेल्टर है। वेल्टर का मतलब अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो मैंने आपको बिल्कुल ऐसा समझा दिया कि हॉच पॉच या फिर फ्लरी, रश समझ सकते हैं आप, शायद रश समझते होंगे, हरी वाला रश, तो वो रश भी आप इसका मीनिंग कह सकते हैं। तो जब सेंटेंस बनाया हमने तो मुंबई लोकल ट्रेन्स का बनाया, जिसमें हमने कहा इन मुंबई लोकल ट्रेन्स एज अ नॉन स्टॉप वेल्टर ऑफ जॉसलिंग एंड शोविंग एज कम्यूटर्स रश टू ग्रैब सीट्स फॉर देमसेल्व्स। देखिए वेल्टर का मतलब वही है जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, हॉच पॉच हो रहा है, वो वेल्टर है। मुंबई लोकल ट्रेन्स की बात हो रही है कि नॉन स्टॉप ऐसा हॉच पॉच होता रहता है, किस चीज़ की बात हो रही है, और ऑफ जॉसलिंग एंड शोविंग। जॉसलिंग एंड शोविंग का मतलब देखिए पुश है, थोड़ा अजीब से तरीके से धक्का दिया, रूडली किसी को क्रूलिटी के साथ पुश किया जा रहा है, वो जॉसलिंग एंड शोविंग है। तो पुश करना,
किसी को चोट लग गई, तो ऐसे तरह का जॉसलिंग शोविंग चलता रहता है, क्योंकि कम्यूटर्स जो हैं उनको सीट चाहिए और सीट ग्रैब करने के लिए वो खुद ही क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं. तो इन मुंबई लोकल ट्रेन्स देयर इज़ अ नॉन स्टॉप वेल्टर, नॉन स्टॉप जंबल है, नॉन स्टॉप कन्फ्यूजन है, नॉन स्टॉप हॉच पॉच है, किस चीज़ का पुशिंग का, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कम्यूटर्स, जॉस्लिंग एंड शोविंग चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है और जॉस्लिंग शोविंग होती रहती है. कम्यूटर्स क्या करते हैं, रश टू ग्रैब देयर सीट्स, अपनी सीट्स ग्रैब करने के लिए कम्यूटर्स ऐसा करते रहते हैं. तो वेल्टर क्या था, कन्फ्यूजन था. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन. एनोडाइन का मतलब होता है पेन किलर. एनोडाइन का मतलब क्या होता है, पेन किलर. नार्कोटिक सिमिलर वर्ड है, क्योंकि नार्कोटिक टेस्ट की बात हम करते हैं तो आप इससे जल्दी रिलेट कर पाएंगे, दैट इज एनोडाइन, उसको सिमिलर वर्ड हम कह रहे हैं. एनेस्थेटिक जब दिया जाता है तो आप जानते हैं कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कह रहे हैं पेन किलर एनोडाइन होता है, जो दर्द का नाश कर दे वो एनोडाइन है. इवन द मोस्ट एनोडाइन कॉमेंट्स कैन साउंड इन्फ्लेमेटरी. दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके आपको दिखाया जा रहा है कि वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इवन द मोस्ट एनोडाइन कॉमेंट्स कैन साउंड इन्फ्लेमेटरी इफ दे आर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करेंगे तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी ही होगी. साउंड इन्फ्लेमेटरी, किसी को भी प्रॉब्लम होगी ही होगी उस बात से, तो प्रॉब्लम होगी. इवन द मोस्ट एनोडाइन कॉमेंट्स कैन साउंड इन्फ्लेमेटरी, तो बिना कॉन्टेक्स्ट के बोले गए एनोडाइन कमेंट्स. आप तो सूदिंग टॉक कर रहे थे, आप तो ऐसे कमेंट्स मार रहे थे जिसमें आप चाह रहे थे कि सामने वाले को दर्द ना हो, उसको चोट ना पहुंचे आपकी बातों से, लेकिन फिर भी जब कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं तो वो भी इन्फ्लेमेटरी, ज्वलनशीन लगने लगते हैं, कि ऐसे लगने लगते हैं कि आपको उनसे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है ऐसे कॉमेंट से. तो कॉमेंट था तो आपकी तरफ से सूदिंग, लेकिन एनोडाइन था, पेन को खत्म करने वाला था, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, इसीलिए उस सामने वाले को उससे प्रॉब्लम हो गई. तो एनोडाइन का मतलब पेन खत्म करने वाला, पेन किलर. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली, सो नेक्स्ट वर्ड है पैनेजिरिक, जिसे पैनजिरिक बोलते हैं ज्यादातर लोग. तो पैनजिरिक इज द वर्ड, पैनजिरिक इज द वर्ड विच मीन्स अ पब्लिक स्पीच और पब्लिश टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग. तो किसी की तारीफ में कुछ लिखा गया है या कोई स्पीच दी जा रही है, बस वो स्पीच कैसी होगी, प्रशंसा पूर्वक होगी, गुण गाथा होगी, किसी की स्तुति की जा रही है, प्रशस्ति है, वो पैनेजेरिक है. तो पैनेजेरिक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री इज बेसिकली पैनेजेरिक. हिस्टोरियंस हैव रिटन काउंटलेस पैनेजेरिक्स ऑन पंडित नेहरू स्टेलर रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने बहुत बार, एंड नंबर ऑफ टाइम्स पैनजेरिक्स लिखे हैं, प्रशस्तियां लिखी हैं पंडित नेहरू के बारे में, कि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेलर का रोल, स्टेलर रोल प्ले किया. स्टेलर मतलब यहाँ पर फेमस है, वो सितारों और एस्ट्रल वाला नहीं है, तो फेमस है, सेलिब्रेटेड है, नोटेबल है, डिस्टिंग्विश्ड है. तो हम कह रहे हैं कि वेल नोन रोल प्ले किया पंडित नेहरू ने, तो उनके ऊपर पैनेजेरिक्स लिखे जाते हैं. तो पैनेजेरिक्स का मतलब होता है प्रेज थी, अप्रिसिएशन था, जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने एंड नंबर ऑफ टाइम्स पंडित नेहरू के स्टेलर रोल, जिसमें वो कितने साल जेल में रहे ये हम सब जानते हैं, इसीलिए लिखे गए पैनेजेरिक्स वो पंडित नेहरू के ऊपर. किस रोल के लिए, फेमस रोल स्टेलर का रोल, किस, कब, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान. एक बार फटाफट से रिविजन करते हैं. Yonder में yon भी आता है. yon का मतलब आप ये देख लीजिए कि सिमिलर वर्ड की तरह काम करेगा, दूर देखना, अवे, बियॉन्ड, ये yonder है. junket का मतलब पार्टी है, सेलिब्रेशन है, जर्नी है, पब्लिक एक्सपेंस के ऊपर मजे कर रहे हैं, junket है. ken का मतलब perception, नॉलेज, acumen, comprehension. balderdash का मतलब nonsense है, जिब्रिश है, जो इलॉजिकल है वो बॉलीडाश है. सेलेरिटी का मतलब स्पीड है, आपको बताया था चीता की टेल स्पीड पे, सेलेरिटी पे असर नहीं डालती है, बैलेंस बनाए रखती है. स्टेंटोरियन आवाज थी, तभी क्लास में अच्छे से सब बच्चों को जगा के रखा था टीचर ने, स्टेंटोरियन लाउड था. वेल्टर का मतलब कन्फ्यूजन है, टैंगल है, जंबल है, टर्बुलेंट फैशन है. तो कह रहे थे कि मुंबई लोकल ट्रेन्स हैं,
उसमें वेल्टर, स्टॉप वेल्टर, नॉन स्टॉप वेल्टर ऑफ जॉसलिंग शोविंग एज कम्यूटर्स, रश टू सारा दिन खींचतान बनी रहती है, तो वेल्टर ऑफ जॉसलिंग शोविंग खींचतान बनी रहेगी हर तरह का. देखिए नॉन स्टॉप वेल्टर है मतलब नॉन स्टॉप हॉच पॉच है बेसिकली. एनाडाइन का मतलब क्या था यहाँ पर, नार्कोटिक है, पेन किलर है, एनेस्थेटिक है, ये सिमिलर वर्ड्स हैं. पेन किलर बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग की तरह काम करता है जैसे वैसा वाला है. तो एनाडाइन कॉमेंट्स की कॉन्टेक्स में भी हमने इसे इस्तेमाल किया था जो शांत करेंगे, सूदिंग कॉमेंट्स की बात हम कर रहे थे. पैनजेरिक का मतलब हमने बताया था किसी का, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को अप्रिशिएट करना. अभी रैपअप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच.